तो 2 रुपए की पेप्सी, संतोष भाई हमारा सेक्सी देख लो बैठा हुआ वहाँ पर, ठीक है ना। ये तो हमारी आज की शुरुआत थी, बाकी 5 भी बैठे हुए हैं, समीरन चाचा भी बैठे हुए हमारे, और बाइक के देख सो कितने ढेर सारी खड़ी हुई है आज। लेकिन ब्लॉग बनेगा सिर्फ एक बाइक का, बाइक का नहीं स्कूटी का, वो भी है अपनी बगमैन 125। और ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है ना आपको, पता है क्यों वो ग्रीन इसलिए दिख रही है, क्योंकि भैया के पास ना G1000 है, तो भैया का वो ग्रीन बहुत पसंद है कलर, तो उसमें भैया ने काफ़ी सारा ग्रीन करा रखा है, तो ये भी उसी के टच में कर दिया ग्रीन टच, जो कि आप देख सकते हो लुक कुछ इस तरीके से इसकी निंजा वाली, इसके अंदर रैपिंग कर दी गई है, जो कि आप देख सकते हो फ्रंट हो चाहे आपका बैक साइड हो। ये बैक साइड भी ऐसा दिखा दो, ये देखिए इधर देखो, इधर देखो एंड इधर देखो, ये पूरी ग्रीनिश टच दी गई है। और भाई साहब ये ध्यान रखना, ये कोई हमारी खुद की पसंद नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर चॉइस होती है, जैसा कस्टमर चाहता है हम वैसा काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब कुछ नहीं होता, कस्टमर की चॉइस के हिसाब से होता है, जैसा आप चाहो वैसा हम कर देते हैं, रैपिंग हो चाहे टेपिंग हो चाहे कुछ भी हो, ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन कुछ भी। अब दिखाते हैं आपको क्या मॉडिफिकेशन के अंदर, मॉडिफिकेशन दिखाएंगे आपको। देखिए ये इसमें लगा दे लॉन्ग वाला वाइजर, जो कि लुक को करता है काफ़ी इनहेंस, लगने के बाद आपकी जो स्कूटी है और ज़्यादा हैवी दिखती है इसे लगाने के साथ, और विंड भी होती है काफ़ी कंट्रोल। इधर आपको देखने मिलेगा HGG का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, ये भी इसमें इंस्टॉल कर दिया गया इसे लगाने के बाद। एक तो आपका फ़ोन ख़राब नहीं होता, दूसरा ये कि साउंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मल जो मोबाइल लगाते हैं, मोबाइल होल्डर लगाते हैं, उसमें पता क्या होता है कि अगर वो आपके गलती से लूज़ रह गया ना, तो मोबाइल आपका, मोबाइल होल्डर आपका साउंड करता रहे, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है आपकी। और HGG ओरिजिनल आपको पता ही है, साथ में इसमें मिरर लगा दिए गए, देख सकते हो आप, ये भी आपके चोकस के मिरर हैं, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर, और इसमें आपका पूरा विजिबल होगा बैक साइड के अंदर। और स्लिम ट्रिम मिरर हैं जो कि इसके अंदर लगाए, CNC वाले मिरर हैं जो इसके अंदर लगाए हैं हमने, साथ में इसमें लगा दिया फॉग लैंप, जो कि आप देख सकते हो फ्रंट के अंदर। ये आपकी 4 LED, ये देखिए रोशनी देखो इसकी, ये होगी आपकी वाइट, ये होगी येलो, वाइट येलो, ये कुछ इस तरीके से फोकस है इसका। और जब रोड पर निकलेगी ना, तो रोड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इसे लगाने के बाद। साथ में एक चीज़ और देखिए, इसमें एक और इंडिकेटर लगा देंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ, जिसमें नीचे मिलेगी आपको ब्लू लाइट, ऊपर मिलेगा आपको इसके अंदर येलो इंडिकेटर, दोनों तरफ मिलेगा, इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरफ। और इसमें लगा देगा हैजार्ड भी, जो कि देख सकते हो आप, जितनी बार बटन ऑन ऑफ करूँगा उतनी बार पैटर्न हो जाएंगे इसके चेंज। इसमें इंडिकेटर बल्ब भी लगा देंगे सिमटेक के ओरिजिनल, जो कि देख सकते हो, जिसकी मिलती है आपको पूरे 3 साल की गारंटी काउंटर प्लेसमेंट। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इतनी सारी चीज़ें दिखा दी, तो देखिए इसमें लगा देंगे हॉर्न, जो कि हेल्ला के ओरिजिनल, ये भी सुन लो साउंड कैसे आते हैं, इसे कहते हैं करारी साउंड, जो इसके अंदर लगा दिए गए हैं। आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर एक और चीज़, जो कि मिलेगा आपको मैट, ये देख सकते हो, ये आपका बर्गमैन स्ट्रीट का मैट है, जो कि आपका कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से होता है, जैसे कि ग्रे, रेड और ब्लैक और वाइट, ये सारी मैचिंग इसके अंदर होती है। इधर आपको मिलेगी टूरिंग वाली क्रूजर सीट, जो कि ये भी इसके अंदर बना दी गई, लुक देख लो किस तरीके आती है लगने के बाद, और ये काफ़ी कंफर्टेबल हो, जैसे जिन लोगों को राइडिंग का शौक है, लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, तो इसे बनवा के आराम से इसके अंदर बैठ कर, देखो आराम से बैठ कर कम्फर्ट राइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जिसने टूरिंग सीट बना ली वो लॉन्ग राइड तो करेगा करेगा, वैसे भैया का भरोसा नहीं है, शौक में भी लगा लेते हैं। और साथ में ना इसमें देख मिलेगा क्रैश गार्ड, ये देखिए बैक साइड में क्रैश गार्ड देख लो आप, काफ़ी हैवी क्वालिटी क्रैश गार्ड है इसके अंदर, जिससे मिलता है आपको दोनों साइड फुटरेस्ट, जो कि प्लेन राइडर बैठते ना, बैठने के बाद आराम से इसके अंदर साइड में पैर रख सकता है। साथ में जो इंडिकेटर आपने आगे देखे, वही सेम इंडिकेटर आपको मिलेगा पीछे भी, देखिए ये देखिए जल रहे हैं, ये देखो इसमें ब्लू और आपका येलो, ये रोशनी आपको इधर भी मिल जाएगी, और इंडिकेटर बल्ब आपको इधर भी देखने मिल जाएंगे इसके अंदर। और जैसे क्रैश गार्ड मैंने आपको बैक साइड में दिखाया, वैसे मिलेगा आपको फ्रंट में भी, देखिए काफ़ी हैवी क्वालिटी क्रैश गार्ड है, इससे आपकी बॉडी होती है पूरी तरह प्रोटेक्ट, आपकी बाइक की नहीं स्कूटी की बॉडी प्रोटेक्ट होगी, और साथ में आपको खुद के लेग्स भी होते हैं प्रोटेक्ट पूरी तरीके से। तो ये हो गई इस स्कूटी की मॉडिफिकेशन, और बाकी इसमें क्या अच्छा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ आपको चाहिए हो तो आपको कुरियर कराना, कुरियर भी हो जाएगा, विजिट करना चाहते हो तो विजिट भी कर सकते हो हमारी शॉप पर, क्योंकि मिलता है आपको दिल्ली के करोल बाग नायर लेन के अंदर राजू भाई के नाम से। और बाकी जितनी बाइक्स हैं ये सारी बाइक है पाजी की। हाँ जी पाजी कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट किसकी है? हीरो की बाइक है भाई, हीरो की। हीरो कौन? मैं। हीरो तो हमारे, पता कौन है? कौन है? सीट पर बनाता है वो भी हीरो है। हाँ, उसका नाम हीरो है। और तुम? मैं तो जीरो हूँ। तो ये थी मस्ती मजाक, कुछ अच्छा लगा हो आपको कमेंट करके जरूर बता देना, और कुछ भी चाहिए हो तो जैसे ही मैंने बताया कि आप चाहो तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, फ्लैश हो रहा है 7827217 14 राजू भाई के नाम से। और बाकी शॉप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लोकेशन एड्रेस सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। तो वीडियो चाहिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, राजू भाई स्कूटी को, जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत दे, गुड बाय।